पंचकुला के सेक्टर 8 में महालक्ष्मी ज्वेलर से लूट करने आए तीन आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे दिन दहाड़े तीन आरोपी सरेआम शहर में घूम रहे हैं और लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए एक ज्वेलर पर हमला कर दिया। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश करनी शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि तीनों आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज अब पुलिस को मिल गया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। इस मामले में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पुलिस को जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं। एक बहुत दुखद घटना मैं कहूँगा कि आज सेक्टर 8 की मार्केट में हमारे डीलर भाई के ऊपर जो असामाजिक तत्व क्रिमिनल्स हैं उन्होंने लूटपाट की दृष्टि से शॉप के अंदर बढ़ कर के लूटने का प्रयास किया और मैं उस अपने भाई को दुकानदार को इसका नाम है संदीप वर्मा दाई देता हूँ कि उसने तीन लोगों का मुकाबला अकेले ने किया और उनके पास एक के पास पिस्टल थी रिवॉल्वर थी दोनों के पास दूसरों के पास चाकू थे। ऐसे तीन लोगों का मुकाबला करते हुए और उन तीन लोगों को बुलाया वहाँ से जाते जाते उन्होंने सिर के ऊपर वार किया उसके कई जगह चोटें आई। मैंने हमारे CMO मैडम यहाँ पर उपस्थित हैं और उनका इलाज अच्छे ढंग से हो रहा है और मैंने DCP से बात की और DCP को कहा है और उन्होंने तीन टीमें जो हैं लगा दी हैं उनको पकड़ने के लिए। लगभग मुझे लगता है कि DCP ने कहा कि हमने आइडेंटिफाई किया है और जल्दी ही जो कल्प्रिट हैं वो पकड़े जाएंगे। इसके अलावा एक बात मैंने और DCP से कही है कि जितने हमारे जूलर भाई हैं ज्वेलर्स को आर्म्स लाइसेंस जो भी लेना चाहता है उनको आर्म्स लाइसेंस जरूर दे जाए ताकि वो दुकान के अंदर अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो इसका कभी भी इस्तेमाल करें। मैं तो समझता हूँ भगवान का शुक्र करता हूँ कि ऐसे ब्रेव दुकानदार भाई हैं संदीप वर्मा उन्होंने इन लोगों का मुकाबला किया उनको वहाँ से बताया तो मैं कामना करता हूँ कि जल्दी। वहीं पीड़ित व्यक्ति ने प्रशासन से मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेरे पास तीन लड़के आ गए थे जी लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए। तो कैसे लूट करी थी कितने लोग थे और क्या बोलते लग रहा है? नहीं, तीन लोगों ने एंटर किया है जी। उसमें एक के हाथ में तो पिस्तौल थी जी, एक के हाथ में वो किचन वाला नाइफ था जी। तो उन्होंने तो अंदर आते ही बस मेरे को ये बोला है कि अपना भाई आवाज़ नहीं निकालनी, आप बैठे रहो। तो मैं तो इंटेंशन समझ गया था उनकी। तो एक बार तो उन्होंने मेरे को धक्का भी दिया, मैं चलो अंदर थोड़ा गिरा। उसके बाद मैंने संभल के बाहर निकल के अपना शीशा खोलने की कोशिश की अपना बाहर निकलने। जब मैंने बाहर दरवाज़ा खोल के अपना आवाज़ें लगाई तो अपना फिर वो डर के भाग लिए बाहर की तरफ। इस दौरान बस वो हाथापाई में एक के हाथ में जो किचन नाइफ था वो मेरे सिर में लगा है तो उससे थोड़ी इंजरी हुई है। कुछ लूट कर भी गए? नहीं, लूट के कुछ नहीं लेके गए जी। तो आपके सर क्या मारा था है जी? आपके सर पे क्या मारा था? मेरे सर पे ये किचन वाला नाइफ लगा हुआ है जी जो लड़के के हाथ में था ना। वहीं पंचकुला के DSP मोहित हांडा ने बताया कि पंचकुला के सेक्टर 8 महालक्ष्मी ज्वेलर से लूट की नाकाम साजिश का मामला सामने आया जिसमें घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और इस मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, एक अटेम्प्टेड रॉबरी थी यहाँ पे सेक्टर 8 में महालक्ष्मी ज्वेलर्स हैं जिनके वहाँ पे मालिक श्री संदीप जो हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। सुबह लगभग 11 से 12 के बीच का ये वकवा है। तो तब जब इन्हें कुछ शक हुआ उसके बाद जो लोग थे जो इसमें एक हथियारबंद लोग आए थे और उन्होंने जब ये प्रयास किया तो जब उन्होंने शोर मचाया तो ये वहाँ से भाग गए। अभी मैं यहाँ पे जो विक्टिम हैं इनसे मिलने आया था, इनसे बाकी हम इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके जो बाकी लीगल कार्रवाई है वो सब करेंगे। हमारी मल्टीपल टीम्स इसमें जुटी हुई हैं और हमारे पास कुछ अहम सुराग हैं और हमें पूरा यकीन है कि हम इसको इस गुत्थी को पूरी तरह से सुलझा लेंगे
और जिसने भी ये दुस्साहस किया है उसको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजेंगे और उसको उचित सजा दिलवाएंगे। सर, वारदात में कितने लोग शामिल थे? देखिए, अभी जो प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स हैं उसके मुताबिक फुटेज को देखा जा रहा है, जो वहाँ पे मौजूद लोग हैं वो लगभग 3 के करीब लोग बता रहे हैं, पर कुछ भी अभी इसे पुख्ता कहना वो जब तक इनकी विक्टिम की स्टेटमेंट, अभी इनका उपचार चल रहा है, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, बाकी जो टेक्निकल और जो भौतिक साक्ष्य हमारे पास आएंगे उसके बेस पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और जैसे मैंने बताया, सुराग हमारे पास हैं, हमारी टीम्स जो हैं वो फील्ड में हैं और हमें यकीन है कि जल्द ही इसे सुलझाया जाएगा। वहीं अब देखना ये होगा कि इस मामले में दिन दहाड़े शहर में हुई नाकाम लूट के मामले में पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट।